हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप देख लेंगे फिलहाल मेरा फेस जो है काफी डल लग रहा होगा। उसका रीजन ये है कि मैं आपके साथ जो प्रोडक्ट शेयर करने वाली वो है ये एक कॉम्पैक्ट पाउडर। तो इसका डेमो होगा, तो इसी वजह से मैंने जो है फेस पर भी फिलहाल कुछ भी अप्लाई नहीं कर रखा है, सिर्फ लिपस्टिक है। इसको मैं अपने हाफ फेस पे अप्लाई करूंगी और हाफ पे नहीं करूंगी, तो आपको जो है ज्यादा क्लियर तरीके से डिफरेंस जो है समझ में आएंगे। तो डेमो जरूर देखिएगा, बट पहले मैं आपको प्रोडक्ट डिटेल्स दूंगी। तो ये जो कॉम्पैक्ट पाउडर है ये जो है पर्पल ब्रांड का है, और पर्पल ऐप पे ही केवल पर्पल के जो प्रोडक्ट है मिलेंगे। तो आप जो है पर्पल ऐप से ले सकते हैं, लिंक मैं आपको जरूर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलिएगा। इसमें जो है 4 शेड आते हैं और मैंने जो है सबसे लास्ट वाला शेड लिया है, शेड नंबर 4। इसका नाम है कैफीन सेल्फ केयर, शेड नंबर 4, ठीक है। और इसके साथ ही आउटर बॉक्स मिलता है जिसपे आपको प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ डिटेल्स दी गई होती हैं, और ये जो है इसके अंदर आता है। तो ये जो है पर्पल ब्रांड का BF योर ऑन BFF कॉम्पैक्ट विद SPF। लेकिन फ्रेंड्स ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, SPF है इसमें, बट कितना SPF है ये मेंशन नहीं किया। 30 मिनिमम होना ही चाहिए हमारे, अगर सनस्क्रीन है या कॉम्पैक्ट पाउडर 30 तो होना ही चाहिए SPF, तो उसका फायदा है लगाने का, अदरवाइज नहीं है। और अगर 30 से ज्यादा तो बेस्ट है, बट इस पे तो SPF मेंशन ही नहीं किया है कि कितना SPF है। तो इसका मतलब ये है कि आपको सनस्क्रीन तो लगानी ही है, ऐसा नहीं कि आप सनस्क्रीन नहीं लगाओगे। बैक साइड इन्होंने जो है जो डिटेल्स मेंशन की है, इसमें इंग्रेडिएंट लिस्ट उन्होंने मेंशन की है, दिसंबर 2020 में मैन्युफैक्चर किया गया है और इसकी एक्सपायरिंग डेट जो है नवंबर 2023। तो अच्छी खासी इसकी शेल्फ लाइफ है, और इसका नेट वेट है 9 ग्राम। प्राइस भी मेंशन किया है, 199 इसका प्राइस है, बट पर्पल ऐप से मैंने बाय किया है और ये जो है मुझे 50% डिस्काउंट के साथ मिला था। मैंने और भी प्रोडक्ट बाय किए थे, तो प्रोडक्ट डिटेल्स मैंने आपको दे दी है। और बात करूं इस पर क्या डिटेल्स दी है, सेम मतलब जो भी आउटर बॉक्स पे मिला है आपको डिटेल इन्होंने दिया है, वही सेम डिटेल्स आपको इस पर भी इन्होंने दी हुई है। तो ये इस तरीके से आपको मैंने बता दी पैकेजिंग और जो इसकी डिटेल्स है। और अगर मैं अंदर की बात करूँ तो जैसे आपके अदर कॉम्पैक्ट पाउडर होते हैं, एक मिरर इस तरीके से और एक पफ दिया हुआ था, और इसके ऊपर इन्होंने एक प्लास्टिक कवर भी दिया है, और फिर अंदर आपका ये कॉम्पैक्ट पाउडर आपको मिलता है। ये जो पफ है ज्यादा इतनी अच्छी क्वालिटी तो नहीं है, बट इतनी बुरी क्वालिटी भी नहीं है। अब बात करूँ इस कॉम्पैक्ट पाउडर की कि ये कितना पिगमेंटेड है, तो ये देखिए मैंने इतना अपने फिंगर को इस पे रब किया है, और ये देखिए ये बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी आपके स्किन में अगर आप थोड़ा सा इसे पफ की हेल्प से हल्का हल्का ऐसे करके ब्लेंड करोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी स्किन टोन पर जाएगा, अगर आपकी मेरी स्किन टोन है सेम। तो अब मैं जो हूँ आपको जो है इसका लाइव डेमो देती हूँ। तो इसको जो हूँ मैं हाफ फेस पे लगाऊंगी, तो इस तरीके से मैंने देखिए इतना ज्यादा रब गया। अगर इसकी जगह कोई और कॉम्पैक्ट पाउडर होता तो वो तो ऐसे मतलब आपके फेस पे जाता कि जैसे मतलब आपने इतना ऐसे भर के पाउडर ऐसे अपने मुंह पे लगा लिया हो, मतलब फेंक लिया अपने मुंह पे। तो इस तरीके से जो है मैं अपने हाफ फेस को, ये देखिए इस तरीके से अब हाफ फेस पे मैं आपको लगा के इसको पूरे फेस पे अप्लाई करके दिखाऊंगी। बस आपको अच्छी तरीके से इसको जो है ब्लेंड करना है, कुछ टाइम ब्लेंड करते रहोगे आप बढ़िया तरीके से, तो आपकी स्किन टोन पर बिल्कुल परफेक्टली ये जो है जाएगा। मेरी लिपस्टिक पे भी लग गया थोड़ा सा, मैं बात करते करते लिप्स को फोल्ड करना ही भूल गई आप। तो ओके, मैंने अब अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड कर लिया है, थोड़ा सा मैं क्लोजअप में आपको दिखला देती हूँ। तो मैंने इस एरिया पे, यानी ये जो मेरी लेफ्ट साइड है वहां मैंने इसको नहीं अप्लाई किया, और ये है राइट साइड, इस पर मैंने अप्लाई किया है। तो आप बताइए आपको डिफरेंस नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। आई थिंक सो बहुत ही क्लियर है कि इसके अप्लाई से ये वाला फेस का साइड बिल्कुल डल है, और इस वाले का फेस का साइड काफी ऐसा मतलब फेयर सा लग रहा है, मैट फिनिश है, और ऊपर से क्या कहते हैं मतलब पता चल रहा है कि आपने कुछ लगाया है, बट ऐसा भी नहीं लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही मतलब एक्स्ट्रा आपने लगा लिया है, बिल्कुल परफेक्ट। मैं इसे डेली यूज में लेती हूँ क्योंकि मैं इतना मेकअप नहीं करती, मेरा बाहर जाना होता नहीं है, मैं इसे डेली यूज करती हूँ। और आप देख रहे हो कि ये जो है फिनिश भी हो चुका है, इसका जो है बेस भी दिखने लगा है यहाँ की साइड से।
तो ये बहुत ज्यादा मैं यूज करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपके फेस को व्हाइट सा दिखाएगा। अगर आपका फेस ऑयली सा आपको लग रहा है या फिर आपके फेस पे स्वेटी स्वेटी सा आपको लग रहा है, तो इसका एक टचअप दोगे तो आपका फेस इस तरीके से बिल्कुल मैट फिनिश मिलेगा आपको इसके अप्लाई के बाद। इसको जरूर आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, और बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है, पर्पल जैसे ब्रांड का है, तो आप जरूर इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेकआउट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल। अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, बाय बाय।